हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं AndroWide। और आज के अपने इस वीडियो में आपको एक छोटा सा सोल्यूशन बताने वाला हूँ TWRP रिकवरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने डिवाइस में एक नैंड्रॉइड बैकअप क्रिएट किया था प्रीवियस रोम का, और उसके बाद मैंने इसमें दूसरी रोम फ्लैश करी थी। अब उस रोम से मुझे वापस फिर से पुरानी वाली रोम पे आना है, तो मैं सिंपली जाता हूँ रिस्टोर वाले ऑप्शन पे, यानी मेन मेन्यू में जाके रिस्टोर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और जो पुरानी रोम मैंने एंड्रॉइड बैकअप क्रिएट करा था उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डेटा और बूट उसका रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पर एरर क्या आता है, कैनॉट रिस्टोर सिस्टम माउंटेड रीड ओनली। जी हाँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एरर आता है। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि मेन मेन्यू में जाना है TWRP रिकवरी के, उसके बाद माउंट पे जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं माउंट सिस्टम पार्टीशन रीड ओनली पे चेक्ड है, तो सिंपली इसे अनचेक कर देना है, ऐसे अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर देना है। अब सपोज आपके डिवाइस में ऑलरेडी पहले से ही अनचेक था वो ऑप्शन, फिर भी आपको एक बार उसे चेक करके फिर अनचेक कर देना है और सिंपली स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप वापस आ जाइए और रिस्टोर पे चले जाइए। तो देख सकते हैं रिस्टोर पे मैं पुराना बैकअप जो मैंने एंड्रॉइड बैकअप क्रिएट किया था उसे सिंपली यहाँ से रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं ये रिस्टोरिंग प्रोसेस मेरा शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से TWRP रिकवरी का ये जो एरर था इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइज मुझे बस यही बताना था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।